संयुक्त किसान मोर्चे की अज्ज 32 जथेबंदियां की मीटिंग होंदी है और उसके बाद की एजेंडा सी की सब निकल के सामने आता साढ़े नाल किसान नेता ने रुलदू सिंह मानसा मानसा जी किस मुद्दे के उपर बैठक हुई है की अहम फैसले ले गए ये तो साडा मेरा ख्याल है जी दिल्ली वड्डियां मीटिंगां होंदियां भारत पद्धर के संयुक्त मोर्चे का उदों तय कर लिया था भी जे तीन दिन असं पवित्र समझना साड़ा अंदोलन शुरू है जो तरह असं अपनी मंगा बना के दी भी ये तीन दिन आप मनाने ने जिमें धर्मक तौर पर असं मना उस तरीके असी सारे भारत के जिहड़ियां सेंटर नाल मंगा संबंध ने गवर्नर दे मतलब धरना होगा जिहड़ियां स्टेट सरकार है उन्हें मुख्यमंत्री दे स्टेट नाल संबंध मंगे ने इवें जो कर साडा पूरा तय हो गया पंजाब दा जथेबंदियां अज्ज साडियां 32 जथेबंदियां दी मीटिंग हुई हैगी ट्रालियां दा तय हो गया बंदियां दी तय हो गई असी राशन पानी सारा आपदा नाल लैके आवांगे हर एक ट्राली दे कोल चुल्हा दगदा होगा जे कोई धर्म स्थान जथेबंदियां आ के लंगर चला देणगियां असी उन्हां दा वी धन्नवाद करांगे किन्नी तरीक नूं धरने जिहड़े इह लगाए जाणे ये तो 26-25 तो शुरू तुर करांगे चंडीगढ़ के लेवे लग जाएंगे आके किसी गुरु घर रात कटांगे 26 नूं दाखल होवांगे गाह सानूं बिच चंडीगढ़ की सरकार बनन दी प्रशासन ना बनन दी जिते रोकोगे उत्थे बह जाएंगे चंडीगढ़ का भी घराओ किया जाना इस तों बाद जेकर रोकिया गया नहीं असीं नहीं घराओ करदे सरकार आप घराओ करदी हुंदी है हुण जिहड़ी सड़क ते सानूं घेर लिया असीं सड़क ते बह जाएंगे सड़क रुक गई आपे घराओ हो गया मतलब ठीक है ना गल चंडीगढ़ के रस्ते तो मेरा ख्याल 50 ने हुण 50 दे 50 रस्ते तो नहीं रुकते जिहड़े जिहड़े रस्ते ते आवांगे जिथे बैठांगे उत्थे रुक जाएंगे फिर आपे रुक जाऊ 9 तरीक जो 9 नवंबर का कितने किया गया जो प्रोटेस्ट वो उधर मतलब जिथे सा मिलों च पैसा रहा है रेट बढ़ा है वो साढ़े उधरले दबाबे माझे वाले करेंगे 9 तरीक न असी लीडर उत्थे बोलन भी जावांगे और अखीरी सवाल है जिहड़ा बठिंडे दे विच पराली सड़न नूं लैके गल की जाए और मुख्यमंत्री निर्देश दिया भी परचा दर्ज किया जाना चाहिए थोनू की लगता इस बारे मतलब प्रशासन तो सरकार को सोचना चाहिए किसान अनपढ़ है वो जो 40% प्रबंध होया पराली इकट्ठी करन दा 60% है सानूं तां अग्गे लगू होर की होगी मतलब तो अग लाउणी पऊगी अग लैणी नहीं अग लाए बिना तो कणक ही नहीं बीजी होर करूगा कि किसान उहदी मजबूरी है पहला 100% नूं अग लाउंदे सी चल मैं सरकार नूं भी ठीक कह देना इन्नी गल जिहने 40% तां प्रबंध करता हजे दूजिआं तां करे नहीं सीगा तो जिहड़ा 60 रहेगा उहनूं तां अग ही लाउणी पऊगी करनी पऊ जे ते परचा दर्ज करन किसानां ते तां असीं संघर्ष लड़ांगे किसानां दे नाल जां प्रशासन दे नाल असीं किसानां नाल असीं प्रशासन नाल क्यों होवांगे ना सरकार नाल होवांगे इह तां किसानां नाल है किसानां नाल रहांगे धन्यवाद तां इह रुलदू सिंह मानसा बठिंडा दे विच जो हालात होए उसनूं लैके वी सीधे तौर दे उपर प्रशासन को फटकार लगाई और यह भी कहा गया कि असी जिहड़ा है किसानां दे नाल है हुण 9 तरीक नूं जलंधर फगवाड़ा नैशनल हाईवे और 26, 27, 28 तरीक नूं जिहड़ा उह चंडीगढ़ दे विच धरना लगेगा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो इलावा जेकर अज गल करिए तां संयुक्त किसान मोर्चे दीआं लगभग 32 जथेबंदियां ने अज किसान भवन विखे मीटिंग की फिलहाल मीटिंग पिछे की एजेंडा सी गलबात करदे आं प्रधान जी नाल सर अपना नाम दस के शुरुआत करो भी की एजेंडा की सी मीटिंग दा मैं बूटा सिंह शादीपुर प्रधान भारतीय किसान यूनियन अज साडी प्रधानगी सी बूटा सिंह शादीपुर रुलदू मानसा जंगवीर चौहान मेन एजेंडा साडा सी जिहड़ा 26, 27, 28 नूं असीं धरना ला रहे हां रहिंदियां मंगां दे खिलाफ और कुछ मंगां साडियां पंजाब सरकार दे खिलाफ ने उहनां दे संबंध विच उहदी वड्डे पद्धर ते तैयारी कीती गई क्योंकि सारे हिंदुस्तान दे अंदर राजधानियां दे विच इह प्रोग्राम जिहड़ा है उह लिखिआ गिआ उहदी तैयारी सी और बाकी जिहड़ियां पंजाब नाल संबंधित मंगा हुण पंजाब सरकार नाल संबंधित मंगा सन जिवें हाड़ां दे विच नुकसान हो गया झोने का दो दो बार लाउणा पै गया अजे तक सरकार ने पूरी तरह मुआवजा जिहड़ा उह नहीं दित्ता किते चलिया गया किते नहीं गया उस तों बाद कई जगह ते गड़ा पै गया गड़े ने फसलां जिहड़ियां नूं नष्ट करतियां उत्थे बिल्कुल भी नहीं अजे तक गया इस तरह ही अगे चिप वाले मीटरां दी गल कर लो चिप वाले मीटर ने जिहड़े उह सरकार ने इक जिद फड़ी हुई है कि चिप वाले मीटर पुराने आ नहीं रहे वो चिप वाले ला रहे हैं वो सानू पट के फिर उन्होंने दफ्तर जमा कराने पैंदे जाके इस करके अस सरकार तो मंग की है भी चिप वाले मीटर बंद किए जाने पुराने मीटर जिहड़े ने उही सरकार लेके आवे उही अपने दफ्तर में भेजे उही दफ्तर जो जाएंगे तो लगनगे अगे सैटलमेंट स्कीम जी होर बैंक करते हैं जिहड़े पंजाब सरकार के बैंक ने लैंडमार्क या कोऑपरेटिव बैंक आ कोऑपरेटिव सोसाइटियां ने वह बिल्कुल भी नहीं करते असी ये मंग की सरकार तो कि ये पंजाब सरकार के अंडर है पंजाब सरकार सारा कुछ कर सकती है वो रिकवरी भी सरकार की होंगी है तो जोड़ा जिन्हें लोन लिया वह भी बचता भी सरकार ने सैटलमेंट स्कीम जी बहुत जरूरी चलानी चाहिए है इस तरह केस ने जोड़े पुराने
उपर वाली आते हैं, कोई ट्रेन आते हैं, कोई दूजे तीजे बड़े केस है बहुत ज्यादा, वो भी सरकार को खत्म करने चाहिए आ। तो जोड़े शहीद हुए हैं जिन्हों परिवारों को नौकरियां नहीं मिली उन्होंने नौकरियां भी सरकार को जल्दी देनिया चाहिए ने। योजना मंगा हैं जिन्हों के उत्ते अज सहमति बनी है और तैयारी की गई है। कुछ जेडे बाकी साढ़े बाहर रह गए जिमें गैर राजनीतिक हो गया, राजेवाल वाला ग्रुप हो गया, पन्नू पनेर वाला हो गया, राजेवाल गल होगी, डल्लेवाल साड़ी जथेबंदी की और राय होनी पांच मैंबर ने जिन्हों की साड़ी ड्यूटी लगी हुई है उन्होंने फोन पर गल हुई है, बहुते बिजी होने करके जाके मिल नहीं सके। वो भी जल्दी ही सारियां एक जगह पर इकट्ठिया करके पहला वाला हिसाब है जोड़ा पहला वाला ही बनाया जाऊगा। गन्ने दा मसला कोई सारा उत्थे बोल के उन्होंने दस दिता गन्ने बारे, क्योंकि गन्ना बैल टू दरिया बारे सारा जंगवीर उन्होंने दसता सारा डिटेल बारे बहुत जानकारी दे सकते हैं। मैं तो तुम्हें जी अज की मीटिंग मेन मंगा ऑल ओवर सारिया सूँ सारिया टोटल दस दियाँ भी इस तरीक छब्बी इतने आवेंगे। अगर सरकार की करना चाहती है जल्दी मनती है क्या काम बधाना है वह भी साड़ी बाद चक मीटिंग होगी वेखा नहीं तो तीन दिन का पक्का मोर्चा जोड़ा वो इतने लगेगा जी। बिल्कुल धन्यवाद है। ये बूटा सिंह शादीपुर संयुक्त किसान मोर्चा की अच्छ अगवाई एक मीटिंग हुई है और भारतीय किसान एकता यूनियन के जोड़े प्रधान ने और फिलहाल की इसके पिछे अगले एजेंडे जोड़े दसे गए कि 26, 27, 28 तरीक न चंडीगढ़ के भरवा इकट्ठ होगा और जेकर सरकार के नाल गलबात नहीं होंगी तो उस तो बाद चंडीगढ़ में जोड़ा है वो किसानों वालों घेरिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की अज किसान भवन विखे बैठक हुई और कई अहम फैसले ले गए जिस तो बाद चंडीगढ़ का भी घराओ कर गल आई और जलंधर नैशनल हाईवे जोड़ा रेलवे ट्रैक है धनौली उत्थे भी धनोवाली जोड़ा उत्थे अणमिथे समय लिए धरना लगाएगा किसान मोर्चा। और गलबात करते हैं जंगवीर सिंह चौहान नाल। चौहान साहब किस तरीके दे नाल ये फैसले ले गए ने और किन्नियां जथेबंदियां एकत्र हुईयां सी? देखो 32 किसान जथेबंदियां दी मीटिंग सी, काफ़ी वध गिणती जी जथेबंदियां शामिल हुईयां सी। 26, 27 ते 28 तरीक नूं जिहड़ा दिल्ली मोर्चा खुलन जा रहे हैं क्योंकि पिछलियां मोर्चे दियां बचियां हुईयां मंगां उत्ते सरकार गौर नहीं कर रही, बेशक उह केंद्र दियां होण बेशक पंजाब सरकार दियां होण। सो वह मंगा दे रिलेटड चाहे कि वह दिल्ली धरने दे दौरान जिहड़े आ होए परचे आ चाहे चंडीगढ़ चाहे पंजाब आ, सो नाल दी नाल जिहड़े मुआवजे की मंग सरकार वालों की जा रही है चाहे झोने का गन्ने का सारे मुआवजे की गल की जा रही, चिप वाले मीटर की गल की जा रही है तो होर मंगा जिहड़ियां रिलेटेड जो पक्का मोर्चा 3 दिन का लग रहा है ये नाल कि उत्थे मोर्चा ला के गवर्नर का जिहड़ा घराओ किया जाऊगा, जिहड़ा मुख्यमंत्री दे साफ दे खिलाफ जिहड़ा वह प्रोटेस्ट किया जाऊगा। हो सकता भी 3 दिन मोर्चा लगे, हो सकता ये मोर्चा वधाया भी जा सकता जे मंगा ना मनिया तां। ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 26, 27, 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਿਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਚਾਹੇ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਚਾਰਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲ ਤੱਕ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਚਿੰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਰੁਪਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 380 ਰੁਪਈਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
सो असी कहने कि सरकार जिहड़ी आ सानू ढुकमा मुल दे ते नाल मिलां दी चलाउण दी तरीक जिहड़ी आ 10 नवंबर जिहड़ी आ उह सरकार जिहड़ी आ तय करे नाल जिहड़ा साडियां फसलां दा मुआवजा उह दे उहदे ते जिहड़ा आ धन्नो वाली फटक ते जिहड़ा नैशनल हाईवे पहलां जाम होऊगा और उस तों बाद फिर समय दे हिसाब नाल जे ना सरकार मन्नी ते जिहड़ा ट्रैक ते वी जाया। चौहान साहब जेकर पहलां 27, 26, 27, 28, 3 तरीक का चंडीगढ़ का भी एक प्रोटेस्ट और 9 तरीक का नवंबर का जिहड़ा जलंधर हाईवे से भी तुसीं दस रहे हो इस पूरे मामले दे विच कितना कितने लोग भी परेशान होणगे कि सरकार इस चीज़ां थोड़ी गलबात फिर मन सकदी है कि लोग परेशान होंदे ना। देखो असी पंजाब सरकार नूं अज 4 तरीक का टाइम दिता सीगा पिछले मंगलवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिती सी मसला कोई एडा वड्डा नहीं पंजाब सरकार वास्ते गन्ने दे रेट च वाधा करना मिलां नूं चालू करना ते जिहड़ी मुआवजे की गल करनी है सरकार ने मीटिंग बुलाई नहीं लोगों नूं असी परेशानी कर रहे हैं सरकार परेशान कर रही है क्योंकि गन्ने का सीजन सिर ते आके खड़ा है और गन्ने की पढ़ाई होनी लाजमी है जे टाइम ना गन्ने की पढ़ाई ना होई तो जिहड़ा किसान है वह खराब हो जूगा गन्ने के रेट के वाधा देखो कर नहीं रहे जब कणक के हरेक साल कणक के रेट वाधा होंदा है झोने के रेट वाधा होंदा होर फसलों वाधा होंदा गन्ने रेट के केंद्र सरकार ने 10 रुपये वधा दिते है फिर पंजाब सरकार भी कुछ पाक जिहड़ा उहनूं वधा देना चाहिए सी हुण भी असीं अपील बेनती करते हैं पंजाब सरकार नूं कि यह धरना जे लोगों की परेशानी का कारण बनता देखो सानूं भी पता लोग परेशान होंदे आ पर असीं पंजाब सरकार नूं अपील करते हैं कि तुसीं इहदा ढुकमा हल करके जिहड़ा धरना लाउण दी लोड़ ही ना पवे तुसीं इहनूं अनाउंस कर दिओ तुसीं आप अनाउंस कर दिओ तुसीं जथेबंदियां नाल मीटिंग कर लो असीं मसले का हल हो जांदा। मेरा अखीरी सवाल है बठिंडा दे विच जिहड़ा पराली जिहड़ी जबरदस्ती एक अधिकारी कोलों सड़वाई गई और मुख्यमंत्री ने परचा दर्ज करन दे आदेश दे ते किवें देखदे इस नूं कि यह सही है या गलत है। देखो सही गलत वाला तो जिहड़ा काम है वह मौके पर की होया की पोजिशन बनी वो बारे पता नहीं पर वातावरण दूषित जिहड़ा होण तो बचाने वास्ते किसान जथेबंदियां ऐतकी काफ़ी जिहड़ा चिंतित है क्योंकि धुआं साढ़े भी अंदर आउंदा आ साढ़े भी परिवारां च आउंदा आ पर दरअसल गल है कि धुएं दे नाल ही नहीं काम खराब होंदा पंजाब दे विच चिट्टा जहर दुध जिहड़ा डुप्लीकेट आ जिहड़ा पनीर आ जिहड़ियां मठिआईआं आ और दिनों दिन हरेक चीज़ 'च मिलावट आ मतलब वह सारे तो सरकार को पहली गल तो रोकथाम करनी पैनी है सो दूजी गल है भी जो उत्थे वो मसला होया आ और वो मसला ये नाल जिहड़ा उन्होंने अग लाई है देखो पंजाब सरकार के कुछ क जिले के इस तरह धक्केशाही कर रहे हैं किसानों के नाल कि तुसी मैं तो कहना चलान कट दियो तुसी उन्होंने जुर्माना कर दियो जे कोई लाउंदा आ उस हिसाब का जुर्माना कर दियो। पटियाले दे विच वी अजिहा होया डीसी ने जिहड़ा उहदा असला लाइसेंस कैंसल कीते कई अजे मामले सामने हो सकदा हो सकदा मैं मेरा सिर्फ यही सवाल है भी जिहड़ा हुण उह काम होया परचा दर्ज करन दे सीएम ने आर्डर दे दित्ते तुहानूं की लगदा है सही है जां गलत है। देखो परचा दर्ज करना हल नहीं हो जांदा इस तरह एक तानाशाही रवैया जिहा बन जांदा जथेबंदी हुण उहदी जांच करेगी हाँ संयुक्त मोर्चे वल्लों असीं जांच करांगे उत्थे दीआं लोकल जथेबंदियां जांच करांगे फिर देखांगे की माहौल हुंदा असीं नहीं कहिंदे वातावरण दूषित करो असीं नहीं कहिंदे किसे अधिकारी नूं बंधक बनाओ सारा कुछ गलत हैगा। धन्नवाद तां इह जंगवीर सिंह चौहान संयुक्त किसान मोर्चे की अज एक अहम मीटिंग हुई है जिस दे विच कई फैसले लए गए और 9 नवंबर का जिहड़ा समा है उस दिन पहलां जिहड़ा जलंधर फगवाड़ा नैशनल हाईवे जाम किया जाएगा और उसके बाद रेलवे ट्रैक पर भी किसान जिहड़े ने अणमिथे समय के लिए बैठणगे। किसान कैमरा परसन अनिल दे नाल मनजोत कांग दैनिक सवेरा टीवी चंडीगढ़।